इस वीडियो के बाद आप सबकी डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब लग जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भैया साइन अप करना है आपने एक वेबसाइट में जो आपको डेटा एंट्री का काम दे रही है, और 300 रुपये आप लोगों को पर पेज असाइनमेंट के मिलने वाले हैं। विश्वास नहीं हो रहा, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। अभी इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। आप देख सकते हैं सर्वे जॉब अवेलेबल है, 500 रुपये सर्वे। इसके अलावा टाइपिंग जॉब आप लोगों को मिल रही है, 200 रुपये पर टाइपिंग असाइनमेंट। डेटा एंट्री से रिलेटेड भी जॉब्स है, तो बहुत ही ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर आपको डेटा एंट्री जॉब चाहिए तो इससे बेस्ट वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई आप लोगों की ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अर्न कर पाएगा। पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा डेटा एंट्री से रिलेटेड, टाइपिंग जॉब से रिलेटेड, तो मेरे साथ बने रहिए। बट उससे पहले, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ जब भी हम लेके आएँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस वेबसाइट से कैसे कमाने वाले हो, उसके बाद मैं आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में इसका नाम वगैरह बताऊंगा। तो देखिए, ये वेबसाइट ना आप लोगों को एक टाइपिंग असाइनमेंट या डेटा एंट्री का आप लोगों को 300 रुपये दे रही है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया अभी, ठीक है। और एक असाइनमेंट में 4 से 5 पेजेस आप लोगों के होने वाले हैं, जो आप लोगों को यहाँ पे PDF फॉर्म में मिलेंगे, उसको आपको टाइप करके देना होता है। और अगर आप ये कर देते हो तो आप यहाँ पे 300 रुपये कमा लेते हो। कंपनी कहती है कि कंपनी आपको 5 ऐसे असाइनमेंट हर रोज देगी। इसका मतलब कि आप यहाँ पर डे की अर्निंग करोगे दोस्तों 1500 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। और कंपनी कहती है कि हम आपको 30 दिन काम देंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों, आप यहाँ पे अगर एक महीना काम करते हो और अगर आपको रोज 1500 रुपये का काम मिलता है, तो 45,000 रुपये कमाओगे। ये तो मिनिमम अर्निंग है ये जो कंपनी क्लेम करती है। अगर मान लो थोड़ा काम आपने स्लो भी किया तो आपने 40,000-35,000 भी कमा लिया महीने का, तो भी बहुत अच्छी इनकम है। घर में 4 जने हो तो चारों डेटा एंट्री कर लेना, क्योंकि अगर इतने पैसे आ रहे तो बाकी काम करने की जरूरत क्या है। पर यहाँ पे एक कैच है दोस्तों। कैच ये है दोस्तों कि ये जो वेबसाइट्स होती है ना इस तरीके की, यहाँ पे आप लोगों को 450 रुपये ज्वाइनिंग का देना पड़ेगा। एक बार आपने 450 रुपये दिए ज्वाइनिंग के, आपको यहाँ पे काम मिलना शुरू हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे इस पैसे को देने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे आपको 45,000 रुपये का काम दे रही है कंपनी हर महीने। तो आप 450 रुपये तो कोई बड़ी रकम है नहीं, ज़्यादातर लोग तो हाँ कर देंगे। अभी मैं अगर आपको वेबसाइट का लिंक बताऊँ तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैसे भी भर देंगे। यहीं पर तो दोस्तों सारा कांड होता है, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके की जो वेबसाइट है ना, ऑनलाइन डेटा एंट्री job.com, और भी बहुत सारी न जाने इस तरीके की बनी हुई है जो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। अब आप कहेंगे, प्रवीण भाई ये क्या कह रहे हो यार, आपने तो मतलब पूरा का पूरा वीडियो के हालात बदल दिए, ऐसा कैसे हो गया, ये तो कोई झूठ वूठ तो नहीं है। दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को अवेयर करने के लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में ये सारी चीज़ें। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो की शुरुआत में भी कहा था ना कि डेटा एंट्री जॉब आपकी लगवा दूंगा, बट यहाँ पे लगवा के दूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अभी आपको 4 वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने, जो रियल है, ध्यान से देखते रहिए। बट ये जो चीज़ है मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में आप देख सकते हैं डेटा एंट्री का एक चीटिंग केस जो है सामने आया है। डेटा एंट्री जॉब से रिलेटेड स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, पहले लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को इस तरीके के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जो ये मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसर्च की थी इसके बारे में और मुझे पता लगा ये लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से 400, 500, 300, 1000 इस तरीके से फीस मांगी जाती है। कहा जाता है कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, उसके बाद आपको ये पैसे देने और आपको हर महीने काम मिला करेगा। ज़्यादातर लोग भोले वाले जो इस चीज़ में फंस भी जाते हैं, पैसे दे भी देते हैं। इस तरीके की दिल्ली पुलिस ने आप देख सकते 4 लोगों को यहाँ पे डेटा एंट्री जॉब फ्रॉड के चक्कर में गिरफ्तार भी किया है। उसके बाद ये लोग आप लोगों को काम देते हैं, और आप जब काम करके देते हो उस काम में गलती निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों को पैसा देने के लिए ये लोग धमकाते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपने काम हमारा पूरा नहीं किया तो हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, केस कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके के झांसों में, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बिल्कुल ना फंसे जो आप लोगों से जॉब के नाम पे पैसे मांगता है, ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझाने का तरीका समझ आया होगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को इस वीडियो से निराश नहीं जाने दूंगा, रियल डेटा एंट्री जॉब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को 4 वेबसाइट तो इस वीडियो में बताने वाला ही हूँ, और डेटा एंट्री जॉब किन किन लोगों को मिलेगी, क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगा। बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी जॉब की बताना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना, बड़ी कंपनीज की तरफ से आती है। ध्यान से वो सुन लो, उसके बाद डेटा एंट्री पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक वेबसाइट है रीलेवल नाम से, पहले आप
ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे अभी बहुत सारी जॉब्स आई हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रीलेवल जो अनअकैडमी का ब्रांड है, यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे क्रेड हो गया, ज़ूमकार हो गया, पेटीएम, मीशो, अपग्रेड, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज के यहाँ पे जॉब्स निकलती हैं। अभी बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग है जिसमें आप में से ज़्यादातर लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप रीलेवल पे अपना अकाउंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बहुत आसान है, राइट। और सबसे अच्छी बात दोस्तों रीलेवल पे ये है कि यहाँ पे जॉब ढूंढने का जो तरीका है वो बाकी वेबसाइट के जैसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपकी जॉब लगती है। मतलब आपको यहाँ पे खुद कंपनीज को रिज्यूमे वगैरह नहीं भेजने, आपने यहाँ पे टेस्ट दिया, आपका स्कोर अच्छा है, उस स्कोर के बेसिस पे कंपनी आपको खुद कॉन्टैक्ट करती है। जैसे कि अगर आप लोगों को बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब चाहिए, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट से चाहिए, या बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड चाहिए, या फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब चाहिए, सभी तरीके की जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। सैलरीज भी लोगों की बहुत अच्छी है, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख या उससे ऊपर का भी यहाँ पे अमाउंट जाता है, यू नो, अगर हम सैलरीज की बात करें तो। यहाँ पे आप अपना टेस्ट जरूर दे दीजिए, टेस्ट देना बड़ा आसान है। यहाँ पे अकाउंट बनाइए, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे यू नो अपना जो प्रोफाइल कंप्लीट करिए, टेस्ट के स्लॉट बुक करिए और यहाँ पे टेस्ट दे दीजिए। सारा प्रोसेस पूरा एक दिन में हो जाएगा। टेस्ट की प्रिपरेशन वगैरह में भी ये लोग आपकी हेल्प करते हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों की जॉब लगी है री लेवल पे, उन लोगों के प्रोफाइल इन्होंने डाले हुए हैं जिनका स्कोर अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आयुष है, इसके अलावा यहाँ पे कश्मीरा है, और साथ साथ यहाँ पे जो बहुत अच्छा स्कोर ले आता है जैसे कि आप देख सकते हैं तनिष्क है, अथर्व है, इनके स्कोर 800 से ऊपर है। तो इनकी जॉब तो लगी है, बट यहाँ पे एज अ बोनस या एज अ फ्री गिफ्ट के तौर पे इन लोगों ने एप्पल के यू नो आईफोन वगैरह भी इन लोगों को भेजे हैं, एप्पल के लैपटॉप्स वगैरह भी भेजे हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है अप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई एज बार नहीं है। तो आप लोग अप्लाई करें, टेस्ट दीजिए और फ्री में आपको जॉब के मिलने के यहाँ पे चांसेस है। तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक जरूर करिएगा। तो ये बात हो गई दोस्तों रीलेवल अपॉर्चुनिटी की। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो 4 डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब की वेबसाइट है उसको बताना चाहूँगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डेटा एंट्री जॉब में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो ध्यान से सुन लो, ठीक है, जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको टाइपिंग आती है और आपको डेटा एंट्री जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको रियल डेटा एंट्री जॉब चाहिए ना, तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो सीख लो। जैसे कि आप लोगों को एक्सेल आना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आना चाहिए, राइट। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे डेटा एंट्री जॉब रियल में पाना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी टाइपिंग जो है फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम जो है टाइपिंग का है। अगर आप धीरे स्लो टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, राइट। तो ये कुछ बेसिक स्किल है जो आपके अंदर होने चाहिए अगर आप डेटा एंट्री जॉब एक्चुअल में करना चाहते हो, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हो। और अगर बात रही कि आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो ये 4 वेबसाइट जो रियल है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसके बाद एक और तरीका है जहाँ पे आप लोगों को डेटा एंट्री जॉब मिल सकती है, वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे जैसे पहली वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे guru.com, ये एक तरीके की आप कह सकते हैं कि डेटा एंट्री से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग साइट है। यहाँ पे डेटा एंट्री नहीं, बहुत सारी जॉब मिल जाती है। तो जैसे मैंने गुरु में डेटा एंट्री चेक किया, आप देख सकते हैं जो भी डेटा एंट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो आ गए हैं। अच्छी बात यह है कि आपसे कोई भी पैसे नहीं लेता है। गुरु को आप एक बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग साइट कह सकते हैं, जहाँ पे लोग जिनको काम करवाना होता है वो अपना काम पोस्ट करते हैं, और जिनको काम करना होता है वो उनका काम करके पैसे कमाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे पीपल पर आर है। जैसे ही मैंने पीपल पर आर में डेटा एंट्री जॉब सिलेक्ट किया, 181 डेटा एंट्री जॉब फाउंड हुई है। आप देख सकते हैं यूके के प्रोजेक्ट है, इसके अलावा अमेरिका के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे यू नो मिल जाती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल साइट है तो दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फाइवर है, फाइवर में आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे कि एमिली है, एमिली आप देख सकते हैं कि 1500 रुपये यहाँ पे यू नो इनके ये चार्ज करती है डेटा एंट्री जॉब करने के, और बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोफाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है। हर बंदा अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज करता है, तो वो भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और आप भी यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। फाइवर पे कैसे अकाउंट बनाना है इस पे डिटेल पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और ये आप देख सकते हैं, ये वाला वीडियो देख लेना, आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आप अगर ये जॉब पाना चाहते हैं आप यहाँ पे भी पा सकते हैं, अकाउंट बनाना यहाँ पे भी फ्री है। और अगर बात करूँ लास्ट 4th वेबसाइट की, तो वो यहाँ पे अपवर्क। अपवर्क पे जैसे ही हमने डेटा एंट्री जॉब सिलेक्ट की दोस्तों, देख सकते हैं आप जो भी अभी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है डेटा एंट्री से रिलेटेड वो यहाँ पे आ गए हैं। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं क्विक हेल्प विद एक्सेल, एक्सेल से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर आपको काम आता है एक्सेल पे तो आप यहाँ पे $5 का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आप देखिए इन सारे प्रोजेक्ट्स में ना अप्लाई कर सकते हैं एक बार अगर आपका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है,
तो अगर आप में से किसी को डेटा एंट्री जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, देख सकते हैं यू नो अपवर्क पे, जो कि आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोटेशन अच्छा लगता है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यू नो काम भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पे ना, मतलब समझिए इस वेबसाइट को, इन फ्रीलांसिंग साइट को, लोगों को लगता है कि सिर्फ यहाँ पे अगर हमने प्रोफाइल बनाया और काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग काम करवाते भी हैं। तो आपको अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाना है। जब आप लोगों को कॉस्टिंग भेजे, सामने वाले का मान लो एक काम आया, वो कहता है मेरे को डेटा एंट्री जॉब करवानी है, तो आप उसको कॉस्टिंग शुरू में कम रखें तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको यहाँ पे काम मिल सकता है। लोगों को जनरली मिल रहा है इसलिए वो यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है, ठीक है जी। और ये तो वो चार वेबसाइट हो गई। इसके अलावा मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है जहाँ आप डेटा एंट्री से रिलेटेड काम ढूंढ सकते हैं, तो वो तरीका है दोस्तों डेटा माइनिंग का। अभी डेटा माइनिंग क्या है दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। डेटा माइनिंग मतलब आज की डेट में इंटरनेट पे अगर आपको सर्च करना भी आता है इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आपकी एक स्किल है, उसका भी आपको पैसा मिल सकता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को ऐसे लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है जो उनके कंपनी के लिए डेटा माइनिंग करे, मतलब डेटा ढूंढ के निकाले, प्रोजेक्ट्स बनाए डेटा ढूंढ के, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बना के दे। अगर आपको वो भी काम आता है ना, तो आप यहाँ पे यू नो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे काम अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर मैं डेटा एंट्री की बात करूँ, तो यार आपके घर के आसपास बहुत सारी दुकानें होंगी जहाँ पे लोगों को टाइपिस्ट या टाइपिंग वालों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आज की डेट में जब बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं, कंप्यूटर्स में लोग काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा बंदा भी चाहिए जो टाइप कर सके। तो आप अपने घर के आसपास के जो मार्केट है वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। बट थोड़ा प्रैक्टिकल होके दिमाग लगाओ यार, कोई भी जॉब यू नो आपको देने का पैसा नहीं देता है, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक बात दिमाग में घुसा लो कि कोई भी कंपनी आपको जॉब देने का आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों को जॉब देने के बहाने अपना गोरख धंधा या स्कैम चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई 400-500 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी बंदा दे देगा। और इस तरीके की जो वेबसाइट है, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखाई थी, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट बना रखी है, बहुत सारे लोग बेवकूफ होकर इन पे इनको कॉन्टैक्ट भी कर लेते होंगे, और फिर ये लोगों से 400-500 रुपये ले लेते हैं, उसके बाद ना काम मिला ना कुछ मिला। और साथ सबसे बड़ी बात दोस्तों कि NCS, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जॉब पोर्टल साइट है, उस पर भी मैंने एक बंदे को कॉन्टैक्ट किया डेटा एंट्री लिख के। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा दोस्तों कि यहाँ पे एक बंदा जिसने अपने आपको रजिस्टर कर रखा है गवर्नमेंट के पोर्टल में, वो हमसे पैसे मांग रहा है। वो कह रहा है हमें 350 रुपये दे दो, तब हम आपको जॉब दे दिया करेंगे। तो आप खुद सोचो दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे जो स्कैम वाले लोग हैं, वो पूरे के पूरे इंटरनेट में फैले हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे किसी को भी जॉब के लिए पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि जो भी जेन्युइन कंपनी होगी, जो भी जेन्युइन बंदा होगा, वो आपके जॉब लगवाने के कभी आपसे पैसे नहीं लेगा, ना ही कंसल्टेंसी फी लेगा, ना ही किसी तरीके की अलग तरीके से फी लेगा। इस बात का ध्यान रखें, अगर डेटा एंट्री जॉब करनी है तो यही तरीके हैं। अगर आप काम पे फोकस करोगे, ढूंढोगे, तो आपको ज़रूर 100% काम मिलेगा, इसकी गारंटी जैसे मैंने शुरुआत में दी थी वही अभी दूंगा। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ एक दो दिन मेहनत करके कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं 30-40 हज़ार रुपये कमा लूँ, उन लोगों के लिए दोस्तों फिर तो मतलब आप कह लीजिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करना नहीं जानता उसका लाइफ में कोई भला नहीं कर सकता। इवन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाओगे ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे भी ज़्यादातर लोगों की जॉब नहीं लगवाई जाती, वो जॉब खुद ढूंढते हैं। उनको इतना काबिल बनाया जाता है कि वो खुद कैसे जॉब ढूंढे, किस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़े, ये उनको करियर की शुरुआत में सिखाया जाता है। तो मेहनत करें दोस्तों, जॉब मिल जाएगी, ट्राई करते रहिए, जॉब मिल जाएगी। इतना ही कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जो सच्चाई थी मैंने आप लोगों को बता दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।